A solution has been prepared by dissolving 0.63 grams of nitric acid in 100 milliliters. ये मैंने कल आपको न्यूमेरिकल होमवर्क में दिया था. यू हैव टू फाइंड इट्स पीएच. ओके, सो फर्स्टली वी विल बी फाइंडिंग इट्स मोलर कंसेंट्रेशन, दैट विल बी इक्वल टू द गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास. ओके, 1000. चलिए, फ्रॉम हेयर यू विल बी गेटिंग, क्या आंसर आया था बेटा इसका, यहां से कितना आंसर आया आपका यहां से? यू विल बी गेटिंग 0.1 मोलर. ओके, 0.1 मोलर आया होगा. नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड इट्स पीएच, विच इज माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन. ओके, तो क्योंकि नाइट्रिक एसिड है सो इट इज गोइंग टू गिव यू एच पॉजिटिव आयन. तो यहां पर हमने वैल्यू पुट कर देनी है. तो कैन आई राइट इट लाइक दिस? ठीक है, 10^-1, बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया है हमने. यहां से जब आप लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे सो यू विल बी गेटिंग लॉग 10 ओनली, दैट इज 1. ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल का आंसर था 1. नाउ राइट डाउन अनदर न्यूमेरिकल. फाइंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड. You are given the concentration as 0.01 molar, which is only 20% ionized. अब इसमें से जो एसिटिक एसिड है उसकी आयोनाइजेशन आपको बताई हुई है, that is 20% ionized. चलिए बेटा निकालिए, पहले कंसेंट्रेशन निकालिए. 0.01 मोलर में से सिर्फ 20% जो है वो आयोनाइज हुआ है, तो पहले आप एक्चुअल में उसकी कंसेंट्रेशन निकालो, आयंस की कितनी है सॉल्यूशन में. सो 0.01 मल्टीप्लाई बाय 20 × 100, तो यहां से आपके पास एक्चुअल कंसेंट्रेशन आएगी आयनाइजेशन की, क्योंकि सारे के सारे आयोनाइज नहीं हुए हैं, यहां पर सिर्फ 20% हुए हैं. सॉल्व इट एंड देन कैलकुलेट द पीएच. तो जितना आपका यहां से आएगा उसको पुट करो वैल्यू और आंसर बताओ. चलिए बेटा जल्दी से बताइए. पहले इसका आंसर बताओ कितना आया, 0.1 × 20/100 द आयनाइजेशन. सो दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन. So that is 2 × 10^-3. Very good, Gursimran. 2 × 10^-3 molar. Okay. So आप जितना इसको ऐसे 10^ powers में लिखोगे, that will be more convenient to you express in the pH form. तो उतना ही pH में हमारे लिए express करना easy हो जाएगा. So that is minus log of 2 × 10^-3. ओके, अब ए इंटू बी है तो उसको हम खोल के लिख लेंगे लॉग ए. ओके, प्लस लॉग बी, तो ये आएगा आपका लॉग ऑफ ए, दिस इज ए इंटू बी. तो ये होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, क्योंकि बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है तो ये माइनस और वहां पर भी माइनस आएगा. अगेन उसको आपने सिंप्लीफाइड करके लिखना है पावर को. लॉग टू की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 0.3010. चलिए बेटा पुट करो वैल्यू और आंसर बताओ मुझे. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड गिव मी द आंसर. सो दैट इज 2.699. वेरी गुड, सो पीएच इज 2.699. ठीक है जी. Write down one more numerical.
द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन अ सैंपल किया हुआ है कि नहीं पहले ये चेक करना, 3.8 इन 10 टू माइनस 3। आपको कंसेंट्रेशन गिवन है, चेक इफ वी हैव डन दिस न्यूमेरिकल, 3.8 इन 10 टू माइनस 3 मोलर। ओके डन, चलिए नेक्स्ट बताओ फिर। दिस इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी, द आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट्स ऑफ एचएफ एचसीओएच, इन सबके आपको आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट्स जो है वो गिवन है at 298 Kelvin, तो इसका है 6.8 into 10 raised to power minus 4, that is 1.8 into 10 raised to power minus 4, ionization constants given है in acids के, okay? तो आपको Ka given है, calculate the ionization constant of a corresponding conjugate base. आपको के ए गिवन है, ठीक है, दीज आर द आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट्स, आपने कॉन्जुगेट बेस के आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं। चलिए बताओ कैसे निकालोगे, हाउ विल यू फाइंड इट। हाँ जी बोलिए बेटा कैसे निकालोगे, एक डेरिवेशन करवाई थी मैंने आपको। ये एक्सप्रेशन याद है, के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू, डू यू रिमेम्बर दिस एक्सप्रेशन? सो वी विल बी यूजिंग दिस एक्सप्रेशन हेयर, सो पुट ऑल द वैल्यूज, द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ वॉटर के डब्ल्यू, 10 raised to minus 14 करवाया था, तो ये आपको वैल्यू वैसे भी लर्न करनी पड़ेगी बिकॉज दैट इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू। इसको डिवाइड कर दो के ए के साथ, एक बारी उसके साथ एक बारी उसके साथ, एंड फाइंड द आंसर, करिए और आंसर बताओ मुझे। ऐसे ही आपके कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स भी पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है, जो हमने कर लिए हुए हैं। चलो निकालो आंसर, सो फॉर एचएफ द वैल्यू ऑफ केबी इज 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11। Similarly, find for formic acid, HCOH के लिए निकालो, so for HCOH that is 5.54 into 10 raised to power minus 11, ठीक है जी, तो ये दोनों values हैं जो आपकी आई हैं, right? चलिए राइट द नेक्स्ट न्यूमेरिकल रिगार्डिंग द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो हमने कल सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा था, के एस पी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट, वेयर वी डिस्कस दैट द सॉलिबिलिटी ऑफ एनी स्प्रिंगली सॉलिबल सॉल्ट, जो सॉल्ट जो है वो पानी में या किसी सॉल्वेंट में नहीं डिसॉल्व होते हैं, दे फॉर्म द सैचुरेटेड सॉल्यूशन वेयर देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन द आयोनाइज्ड एंड द अनआयोनाइज्ड सॉल्ट, ओके, तो इन दैट केस द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट इट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स आयन्स, ठीक है, जैसे ए पॉजिटिव का एक्वा सॉल्यूशन ले लेते हैं, सिमिलरली वी आर हैविंग बी नेगेटिव इन द एक्वा स्टेट, तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो इसके इक्वल हो जाता है, ओके okay? नहीं बेटा हमने एप्लीकेशंस के न्यूमेरिकल जरूर करने हैं, ओके गुरसिमरन, टुडे वी विल बी डूइंग दैट,
सो हेयर वॉट वी आर सेइंग कि आपका सॉल्ट जो है वो प्रेसिपिटेट कब हो जाएगा, राइट? सैचुरेटेड सॉल्यूशन है क्योंकि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सो इट विल बी एप्लीकेबल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. ये नहीं है कि हम टेम्परेचर चेंज कर करके उसका सॉल्यूशन बनाएंगे. ओके, सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड द सॉलिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स कंसेंट्रेशन ऑफ द आयंस. अब आपका सॉल्ट जो है वो प्रेसिपिटेट कब कर जाएगा? When is your salt will be precipitated? जब ये वैल्यू जो है आयनिक कंसेंट्रेशन, द आयनिक कंसेंट्रेशन ऑफ द आयंस, इफ इट इज मोर देन द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट, तो उस पॉइंट पे जो आपका सॉल्ट है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा. आपका सॉल्ट जो है वो डिजोल्व नहीं करेगा और सारे का सारा जो है वो बाहर आ जाएगा. जब ये आयनिक कंसेंट्रेशन जो है, द प्रोडक्ट ऑफ द आयनिक कंसेंट्रेशन इफ इट इज मोर देन के एस पी. ओके, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की वैल्यू अगर कम है आयनिक कंसेंट्रेशन से, तो उस पॉइंट पे जो आपका सॉल्ट है दैट विल गेट प्रेसिपिटेटेड आउट. ओके, तो जितनी ज्यादा केएसपी की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा जो है, इफ दिस फैक्टर इज मोर, तो दैट मींस आपका सॉल्ट जो है वो उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होगा. अगर कम है, अगर केएसपी की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की वैल्यू कम है, तो डैट मीन्स उसकी सॉलिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, उस सॉल्ट की उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जो सॉलिबिलिटी है वो कम हो जाएगी. ओके, इज दिस क्लियर? हाँ जी, यहां तक समझ आया बेटा? नाउ राइट डाउन वन न्यूमेरिकल फॉर दैट कैलकुलेशन ऑफ द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट. जहां पर आप केएसपी कैलकुलेट करोगे, द सॉलिबिलिटी ऑफ एजीसीएल एट 298 केल्विन इज 1.06 into 10 raised to power minus 5 moles per liter. You have to calculate its solubility product at this temperature. आपको solubility given है, आपने KSP निकालना है. Find out beta. Find out for the AgCl, the solubility of AgCl in water. बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना और सॉल्व करो. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, AgCl है, Ag पॉजिटिव आयन आएगा इन द एक्वस स्टेट, एंड सिमिलरली वी विल बी गेटिंग द Cl नेगेटिव आयन इन द एक्वस स्टेट. और दोनों की सॉल्युबिलिटीज आपको गिवन है. ओके, एंड सिमिलरली 1.06 इनटू 10 रेज्ड टू माइनस, right? When you are going to solve them, you will be getting 1.12 into 10 raised to power minus 10. Okay. So this is the answer. Mole square per liter square. क्योंकि एक का है मोल पर लीटर, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, it will be mole square per liter square. Okay. चलिए, write down the next one. The solubility product. The solubility product of silver bromide is, now you are given the solubility product of silver bromide, AgBr, तो उसका आपको solubility product given है, that is 7.7 into 10 to minus 13. मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर. कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. सॉल्युबिलिटी निकालिए बेटा इस सॉल्यूशन की. यू हैव टू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन. So what we will be doing, आपको solubility product given है KSP, इसका आप करोगे under root. Okay, so your value is 8.7 into 10 raised to minus 7 mole per liter.
राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the minimum pH of the solution? You have to calculate the pH now. Where you are given with the concentration of 0.1 molar in magnesium ion, Mg2 positive ion from which magnesium hydroxide will not precipitate. MgOH twice. Will not precipitate. हाँ जी निकालो बेटा. आपको गिवन है KSP. The value is 1.2 × 10⁻¹⁻. चलिए बेटा निकालो. For the solubility product constant MgOH twice magnesium hydroxide, it will precipitate as Mg2 positive ion and OH negative ion. ठीक है, यहां पर ये स्क्वायर में चला जाएगा उसका 2, क्योंकि दो आयन्स है ना, तो Mg is 1 and OH negative का twice हो जाएगा. तो यहां पर Mg की आपको दी गई है concentration, that is 0.1. KSP भी गिवन है, OH नेगेटिव आयन निकालिए यहां से पहले, फाइंड आउट द OH नेगेटिव आयन. फिर हमने POH नेगेटिव आयन निकाल देना है. ओके, POH निकालेंगे द pH ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन. चलो निकालो बेटा. So when you are going to substitute all the values here, okay, and it, you will be dividing it by 0.1. ऐसे निकलेगा ये, okay? So that is going to give you OH negative का square. But यहाँ से जब आप solve करने के बाद OH negative ion की concentration निकाल लोगे under root करके, so that will be 1.09 × 10⁻⁵. अब हम निकालेंगे पहले POH, क्योंकि हमें कंसेंट्रेशन जो पता है वो OH की पता है, हाइड्रोक्सिल आयन्स की पता है. ओके, सो फॉर द POH दैट इज माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन इज 1.09 × 10⁻⁵. अगेन व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, तो आपके पास ये बनेगा प्लस 5 log 10, ओके, और 5 − log of 1.09, तो दैट इज 0.04. इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ. लॉग 1.09 मैंने सब्स्टिट्यूट किया है 0.04. हाँ जी कितना आंसर आएगा बेटा यहाँ से, 5 − 0.04. हाँ जी बेटा कितना आंसर आएगा, दैट इज 4.96. वेरी गुड. बट अभी भी हमने पीएच नहीं निकालना है. ओके, दैट इज पीओएच, एंड वी नो द एक्सप्रेशन पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14. तो पीएच के लिए हम क्या करेंगे, 14 में से 4.96 जो है वो माइनस कर देंगे. नाउ टेल मी द आंसर ऑफ पीएच, कितना आंसर आएगा पीएच का यहां से बताइए. So that is
गुरसिमर ये 10 तक तो नहीं जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है, 14 में से माइनस करो 4.9 से, 10 से कम ही आएगा है ना, 9.04। वेरी गुड अंजलि, सो दैट इज 9.04। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। ओके राइट डाउन द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर, द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर एट 310 केल्विन इज गिवन टू यू 2.7 इंटू 10 इज माइनस 14। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर इज गिवन टू यू, यू हैव टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ द न्यूट्रल वॉटर। चलिए निकालो बेटा, आपने पीएच निकालनी है। How you are going to do this numerical? See, we know the Kw, it is equal to the concentration of hydronium ion and the concentration of OH negative ion. If Kw is given to you now 2.7 into 10 raised to the minus 14 for the neutral water, okay? For the neutral water, we know the positive ion is equal to the negative ion concentration. H positive or OH negative, dono same honge. So let's treat them as H3O positive का स्क्वायर, ठीक है? तो अब यहां से निकाल लो H3O पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन, पहले फाइंड आउट 2.7 इनटू 10 टू माइनस 14 का अंडर रूट करो, और यहां से आपके पास हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन आएगी। बताओ मुझे पहले हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन, solve it and give me the answer beta. Okay, that is 1.6 into 10 raised to the minus 7. Very good. Now we know pH is equal to minus log of hydronium ion concentration. ओके तो सेम वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, माइनस लॉग ऑफ 1.6 आ जाएगा एंड प्लस 7 लॉग 10। ओके प्लस 7 लॉग 10 माइनस लॉग ऑफ 1.6 0.2156 इसकी वैल्यू प्लस 7। चलिए निकालो आंसर, दैट इज नॉट 4 दैट इज 5। चलिए द आंसर इज 6.78, आई गेस यू कैन डू नाउ 6.78, ठीक है? दिस इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। सो एस ब्लॉक वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो नाउ।